अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप मुझसे सीखिए रेगुलर सॉक्स को स्किड फ्री सॉक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चे जब नया नया चलना शुरू करते हैं तो उनके लिए ऑलरेडी बैलेंसिंग के काफ़ी इश्यूज होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्पेशली डिफरेंट सर्फेसिस के ऊपर, जैसे वुडन फ्लोर हो गया या टाइल्स वगैरह हो गई, तो ये जो स्लिप फ्री स्किड फ्री सॉक्स हैं ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं उसमें। और आई हर्ड कि पाकिस्तान में ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा चलें छोटा सा ये ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इट्स कॉल्ड पफी 3D फैब्रिक पेंट। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आई गॉट इट फ्रॉम वॉलमार्ट, लेस देन अ डॉलर मेरे ख्याल से मैंने इसे वहाँ से लिया है, बहुत चीपर हैं। और मैंने इसे ग्रीन और येलो दो शेड्स में लिया है। इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि ये रेगुलर फैब्रिक पेंट नहीं है। जो सॉफ्ट फैब्रिक पेंट है वो ये नहीं है, ये पफ़ी है, द पफी वन। और ये पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि लेट 90s में काफ़ी फैशन आया था फैब्रिक पेंट का पाकिस्तान में, तो आई यूज़ टू डू दैट। और मुझे पता है कि ये किसी भी लेस बटन शॉप या जो स्टेशनर्स होती हैं वहाँ से इजीली अवेलेबल है, मिल सकता है, तो आप वहाँ से पता कर लीजिए। तो दूसरा मैं ये प्रेफर करती हूँ, ये वुडन स्पून्स। इन ये जो है वो सॉक्स का जो तलवा है या उसका सोल है उसको सीधा रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो फिर इस तरह सीधा रख के इसके पेंट जो करना होता है वो उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैं पर्सनली इसको मैं प्रेफर करती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल सीधा हो गया। तो डिज़ाइन आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी करना चाहें। ये मैंने सॉक के ऊपर पहले से हार्ट मैंने बनाया था, हार्ट शेप, और कुछ डॉट्स से कवर किया था, और ये टाइट के ऊपर मैंने स्टार्स बनाए थे। तो ये मेरे कुछ फेवरेट डिज़ाइन हैं। उसके अलावा ये सिंपल डॉट्स हैं, ये आप बस राउंड डॉट्स, लेकिन मेक श्योर करें उसको आप स्प्रेड करें ताकि जितना भी सोल जो है वो सॉक का आपके नीचे से आपके पैर का कवर हो, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये जो एरिया होता है ये स्लिपरी होता है। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अवॉइड कीजिएगा कि आप लॉन्ग लाइंस, जिस तरह लंबी लाइनें वगैरह दोनों तरफ डायगनली या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह ना डालें, क्योंकि यूजुअली बच्चे जो हैं वो उनको ऐसे यहाँ से खींचना शुरू करते हैं और फिर वो खिंचती चली जाती है और वो इस तरह से उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये मैंने सॉक्स को इस तरह से वुडन स्पून के ऊपर इस तरह से चढ़ा लिया और ये हमारे पास बहुत अच्छा सा सरफेस तैयार हो गया। इसको आप इस तरह से रखें, और क्योंकि ये मेरी इसके साथ की सॉक्स है तो मैं इसके ऊपर हार्ट सी बनाऊंगी दोबारा से। इसका नीट होना या बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मकसद आपको पता है इसका, मीन आपकी मर्ज़ी। इसका मकसद तो यही है कि आपका बच्चा जो है वो स्लिप ना हो। देखिए ऑलमोस्ट ये हो भी गया, इजी पीजी आसान तरीके से। एंड आई एम नॉट अ वेरी क्राफ्टी पर्सन, क्या मैं कहूँ कि मैं बड़ी कोई क्राफ्टी पर्सन हूँ, लेकिन मैंने अगर ये कर लिया तो कोई भी कर सकता है। तो चलें जी देखें ये हो भी गया है, और अभी ये गीला है तो पेंट बॉटल की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक इसको 4 आवर्स तक ड्राई करने के लिए रखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको 72 आवर्स तक इसको मैं टच ना करूँ। वैसे इन्होंने लिखा होता है कि 72 आवर्स के बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं, और वॉश भी आपने इसको इनसाइड आउट करना है, यानी उल्टा करके आपने जराब को धोना है। तो लेकिन पर्सनली मुझे होता है कि मैं इसको इस्तेमाल भी ना करूं 72 आवर्स तक, तो मैं इसको 2 दिन के लिए फिर रख देती हूं। तो ये ड्राई हो रहा है, अब हम दूसरी ये टाइट को भी कर लेते हैं अपनी। ये हमारी जो टाइट थी उसकी भी हमने एक किया हुआ था मैंने, और दूसरा मैं आपके सामने करती हूं। ये देखें तो इसके ऊपर स्टार्स, इसको मैंने वुडन स्पून ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। Thank you.
समटाइम्स इसके अंदर बबल आ जाता है तो उसको एकदम से वो निकल आता है, लेकिन ये है कि इट्स वेरी कंट्रोलेबल, बहुत आसान है इस टिप के साथ इसको कंट्रोल करना। तो चलें ये देखिए, इतनी बेहतरीन हमारी सॉक जो है वो हमारी टाइट भी हो गई, इतनी ज़बरदस्त सी। और इसको भी हम ड्राई होने के लिए अब रख देंगे। ये हमारी ड्राइड है ये साइड, क्योंकि ये मैंने पहले की थी और मुझे याद आया कि मैंने तो इसके ऊपर डॉट्स नहीं डाले मेरे डिज़ाइन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि डॉट्स से यह है कि आपका नीचे सोल जितना भी कवर हो अच्छा है। परफेक्ट, चलें जी ये हमारे हो गए दोनों, हमने कर लिए अपनी सॉक भी कर ली हमने और अपनी हमने अपनी टाइट भी कर ली, तो ये तैयार है। तो ये टेक्निक आप इस तरह गर्ल्स टाइट्स के साथ भी कर सकती है जिस तरह के मैंने किया, क्योंकि टाइट्स जो हैं वो कभी भी स्लिप फ्री हमें नहीं मिलती रेडीमेड। इसके अलावा ये मिटन्स जो होते हैं बच्चों के, उसके ऊपर काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं प्लेग्राउंड वगैरह में जाते हैं तो मंकी बार्स के ऊपर तो हाथ उनके काफ़ी स्लिप होते हैं, तो वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ से उनकी वो जो ग्रिप अच्छी हो जाती है तो उनके खेलने में आसानी होती है। तो इस तरह छोटी सी टेक्निक है, ये छोटी सी टेक्निक आप जो आप जहाँ मर्जी आपको लगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर मुझे बताइएगा, आप ट्राई करें और मुझे बताएं और फीडबैक प्लीज़ दें मुझे कॉमेंट बॉक्स में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।